कृष्णा यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपकी मुलाकात डॉक्टर से कराते हैं और डॉक्टर्स आपको आपके समस्या की समाधान बताते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील पांडे मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि होम्योपैथी एलोपैथी से कितना अलग है और कितना कारगर है होम्योपैथी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सर, अगर बात किया जाए होम्योपैथी की, तो कोरोना काल में होम्योपैथी बहुत कार्यरत रहा है, तो कितना अलग है होम्योपैथी से, कितना लेट काम करता है या फिर कितनी जल्दी काम करता है होम्योपैथी? देखिए, हर पैथी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं जी, और होम्योपैथी किसी मामले में बहुत अच्छा काम करती है जी। कोरोना काल में भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए जी, पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। और जैसे होता है कि हम इमरजेंसी लैग करते हैं, बट जो दवाएं हैं उन्होंने बहुत इमरजेंसी केसेस में भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। लोगों का ये कहना है कि जनरली लोग होम्योपैथी की तरफ इसलिए नहीं जाते कि लोगों ने बहुत लेट से फ़ायदा करता है या फिर वॉक बहुत लेट करता, तो ये कितना सच है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें इमीडिएट रिस्पांस मिलता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें लेट रिस्पांस मिलता है। अब स्टोन, सपोज किडनी स्टोन का मामला है, अब वो अगर किडनी में है तो किसी भी तरह से वो 24 घंटे के अंदर तो बाहर नहीं हो जाएगा, बट अगर यूरेटर में है या नली में है तो दवाओं से कुछ रिस्पांस मिलता है। ऐसे केसेस भी हुए कि 12-12 घंटे 24-24 घंटे के अंदर ही स्टोन बाहर हो गया, अगर छोटा स्टोन है, बट बड़ा है तो डिसॉल्व होने में टाइम लगता है। इसको लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है होम्योपैथी में। अब आप अगर सर्जरी भी कराएंगे तो नॉर्मल होने में हफ्ते 10 दिन तो लग ही जाते हैं, इजीली लग जाते हैं। तो यही है होम्योपैथी के साथ भी। हम डॉक्टर, आपने भी स्टोन की बात करी, तो जनरली आज के वक्त में लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी स्टोन से लोग सफर करते हैं, तो किस तरह की दवाइयाँ होम्योपैथिक में अवेलेबल है और कितने दिनों में असर करती है या फिर कितना लंबा प्रोसेस होता है होम्योपैथिक में? किडनी स्टोन्स की तो बहुत अच्छी दवाएं हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, 90-95% तक रिस्पांस मिल जाता है। बहुत स्टैग हॉर्न स्टोन हो या बहुत बड़ा स्टोन हो तो प्रॉब्लम होती है, नहीं छोटे स्टोन्स तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, निकल जाते हैं और बहुत जल्दी आराम मिलता है। बट गॉल ब्लैडर स्टोन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। अगर सिंगल है, छोटा है, तब तो रिस्पांस मिलता है। बड़े हैं या फाइब्रोस गॉल ब्लैडर है या गॉल ब्लैडर में कोई ऐसी एनोमलीज हैं, नहीं फंक्शन ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। गॉल ब्लैडर का रिस्पांस कम है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में रिस्पांस कम है। डॉक्टर, अभी कोरोना काल में तमाम तरह की जो दवाइयाँ आ रही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मेन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ कोरोना काल में दी जा रही थी, तो होम्योपैथी की भी कई दवाइयाँ थी जो लोग ले रहे थे, तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ थी होम्योपैथी की जो इफेक्टिव थी और किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है? एक्चुअली कृष्णा जी, कोरोना वायरस जो है इतना ज़्यादा लाइमलाइट में पहली बार आया था, तो इसका हमारे पास रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं था, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट सिम्टोमेटिक ग्राउंड पे जो दवाएं दी गई उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, जिसमें आर्सेनिक, जुपिटोरियम, रस्टॉक्स, बेलाडोना, पायरोजिनम, इस तरह की दवाएं थी जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और बहुत सारे पेशेंट्स को बचाया। डॉक्टर, कोरोना अभी जल्दी में WHO की तरफ से एक गाइडलाइन मंकी पॉक्स को लेकर आए, एक नया जो वायरस है, एक नई बीमारी कह लीजिए, उसके चपेट को लेकर एक नया गाइडलाइन जारी किया गया, तो इस तरह के और भी जो वायरस अगर कोई बीमारी आती है तो होम्योपैथी अब कितना तैयार है? हालांकि होम्योपैथी अब काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, होम्योपैथी अब कितना तैयार है कि कोई नया वायरस आता है तो उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसकी दवाइयों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंकी पॉक्स वायरस बेसिकली बहुत नया नहीं है, बट इतना लाइमलाइट में इतना पहली बार आया है जी। और ये स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली का, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का एक वायरस है जी, जो इसका मंकी पॉक्स वायरस को कॉज करता है। और ये DNA डबल स्ट्रैंड वायरस होता है कोरोना वायरस से अलग जी। कोरोना वायरस दूसरा होता है और ये जो है ये DNA वायरस होता है जी। और इसको ये बेसिकली रोडेंट्स से ज़्यादा फैलता है, गिलहरी, रैबिट्स, पेरी डॉग्स, इस तरह के जो जो एनिमल्स होते हैं उनसे, उनके काटने से, उनके स्क्रैच करने से,
उनका अनकुक्ड या सेमी कुक्ड फूड मीट खाने से, इस तरह की चीज़ों से ये फैलता है। और सबसे पहले ये मंकी में डिटेक्ट हुआ था, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। मैन एप्स और मंकीज़ में इसका इन्फेक्शन बहुत होता है और इसमें इसका मेन जो सिम्टम है वही फीवर, बॉडी एक मेलेस, डेबिलिटी, डलनेस, ये सब होता है। उसके बाद एक स्पॉट आता है, बेसिकली ज़्यादातर केसेस में ये चेहरे से शुरू होता है और ये स्पॉट जो है केवल एक डार्क कलर का स्पॉट आता है जी। दो तीन दिन में वो थोड़ा सा रेज्ड हो जाता है जी। और उसके बाद वो एक सॉलिड नोडुल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर दो तीन दिन में उसमें फ्लूइड भर जाता है, छाले जैसा हो जाता है जी। उसके बाद फिर पस बनने लगता है, फिर पस बन के वो फूट जाता है, स्कैब बनता है और इसी के साथ फीवर, बदन दर्द, ये सब चीज़ें होती रहती हैं जी। डॉक्टर, मंकी पॉक्स को लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि देश ने एक वैश्विक महामारी को झेला है, देश एक वैश्विक महामारी से गुजरी है, लोगों को बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप लोगों ने भी देखा कि जिस तरह से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड और दवाइयों के लिए लोग भागे, तो WHO का गाइडलाइन आने के बाद से ही लोग मंकी पॉक्स को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं, लोग उसके बारे में बातें करें, तो आपको क्या लगता है कि एक वैश्विक महामारी बन सकती है मंकी पॉक्स? इसके चांसेस कम हैं, आप ये एनिमल से चूंकि स्प्रेड करता है उनको थोड़ा सा प्रिवेंट करें, उनसे दूर रहें, उनके काटने से, स्क्रेच करने से दूर रहें। और अगर किसी को हो जाता है तो उसको आइसोलेशन में रखें, उसके कपड़े, उसके फ्लूड्स, बॉडी फ्लूड्स, उन सबको प्रिवेंट करें तो और फर्दर स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर, स्प्रेडेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि स्प्रेड कैसे होता है, तो क्या ये भी कोरोना वायरस की तरह कांटेक्ट में आने के, जिसको हुआ उसके कांटेक्ट में आने से उससे होता है? बिल्कुल बिल्कुल, कांटेक्ट में आने से बढ़ता है, बॉडी फ्लूइड से बढ़ता है, टच से बढ़ता है, खांसने छींकने से बढ़ता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर कोई पेशेंट आ जाता है, किसी के घर में ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो उसको किस तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किस तरह से उसको डॉक्टर को ट्रीट कराना चाहिए? इन केस अगर किसी को हो जाए तो उसको आइसोलेट कर दें जी, और उसके साथ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, उसके कपड़े, उसके डिस्चार्जेस, उसका कॉन्टेक्ट जितना हो सके लिमिटेड कर दें और हेल्दी डाइट दें, उसका थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाएं और बाकी सिम्टोमेटिक रिलीफ है, होम्योपैथी की दवाएं हैं जो उसमें काम करती हैं और काफ़ी उससे अच्छा रिस्पांस मिलता है। डॉक्टर, क्या इसकी भी कोई वैक्सीन आने की उम्मीद लगाई जा सकती है? नहीं नहीं, इसकी वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है इसमें हेल्प करती है जी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से इसमें मदद मिलती है और एज सच कोई अभी ऐसी वैक्सीन नहीं हुई है जो पर्टिकुलर इसके लिए हो। तो मंकी पॉक्स से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका स्प्रेड रेट कितना है, कितनी तेजी से मंकी पॉक्स फैलता है अगर वायरस आता है इंडिया में? आज की तारीख में इंडिया में तो केसेस शायद रिपोर्टेड नहीं है और टोटल 250 केसेस करीब जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। ओके, और डॉक्टर, इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे डाइट होते हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि कैसे दवाइयों के साथ साथ किस तरह के डाइट को फॉलो किया जाए कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डाइट में आपको अच्छे से विटामिन लेनी चाहिए, प्रोटीन्स लेनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। पानी ज़्यादा पीजिए आप, प्रोटीन्स ज़्यादा लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह लीजिए और बहुत स्पाइसी, बहुत हैवी खाना अवॉइड करिए, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करिए तो उससे इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा अच्छी होती है। डॉक्टर, यू तरह इम्यूनिटी की बात, मंकी पॉक्स जैसे स्किन पे दिखता है, कुछ फ्लूड फिल हो जाता है, कुछ दाने टाइप के आ जाते हैं, तो स्किन की किस तरह की दवाइयाँ होम्योपैथी में अवेलेबल हैं और स्किन के प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट करता है होम्योपैथी? सबसे पहले जो इसमें इंडिकेटेड है आर्सेनिक एल्बम एक दवा होती है जी, उसको देने से कोर्स शॉर्ट हो जाता है और वहीं पर लिमिट हो जाने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर जो मैक्यूल के बाद पेप्यूल फार्मेशन होता है, मतलब जो रेस्ड जो लीजन्स हो जाते हैं, जो स्किन से बढ़ जाते हैं, उसके लिए एंटीम्प्रूड आर्सेनिक और रस्टॉक्स वगैरह दी जाती है। उसके बाद जो कंडीशन होती है, सॉलिड नोड्यूल्स जैसे बन जाते हैं जी, तो
उसके लिए भी एंटीमिक्रोड वगैरह दी जाती है, बेलाडोना, आर्सेनिक, जुपिटोरियम, ये सब दवाएं हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है जिसमें पानी भर जाता है, छाले जैसे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, उसमें रेनिनकुलस और रस्टॉक्स बहुत काम करती है जी। और स्पेशली जब उसमें बर्निंग सेंसेशन भी हो, और इसके बाद जब पस्चुअल फॉर्मेशन होता है तो हीपरसल, पल्स, साइलिशिया, ये सब दवाएं होती हैं। पाइरोजिनम एक दवा होती है, वो इसके जो जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको कम करती है। और इसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है तो ड्राई होने के, ड्राई करने के लिए साइलिशिया वगैरह होती हैं। फिर स्कैब फॉर्मेशन होता है, उसके लिए कैलेंडुला वगैरह लगाने से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। okay. और ये जो कोर्स है बहुत शॉर्ट हो जाता है। ओके डॉक्टर, जिस तरह से कोविड के बाद लोगों को बहुत सारी वीकनेस, हेयर लॉस, आईसाइट वीक, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो कैसे मंकी पॉक्स होने के बाद भी लोगों को ऐसे लाइक पोस्ट, अगर कहें तो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं ऐसी, और अगर आती हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम आती है तो एक तो डेबिलिटी, वीकनेस हो जाती है पेशेंट को, उसके अलावा जो है जो इसके जो कॉस्मेटिक जो प्रॉब्लम आती है, स्पॉट्स हो जाते हैं, पिट्स हो जाते हैं, दाग बन जाते हैं, इन सब को करने के लिए दवाएं होती हैं। कैलेंडुला इसमें स्पेशली काम करती है, साइलिशिया थूजा इसमें स्पेशली काम करती हैं, और उससे काफ़ी हद तक ये स्पॉट्स कम किए जा सकते हैं। ओके डॉक्टर, हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि वाई दे ट्रस्ट ऑन होम्योपैथी, क्योंकि लोगों के अंदर एक जो मिथ है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि लेट वर्क करता है, इफेक्टिव कम होता है, लोगों को इंस्टेंट इलाज चाहिए होता है, तो क्या कुछ एडवाइस आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए होम्योपैथी से भी इंस्टेंट एडवाइस, इंस्टेंट इलाज मिलता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो फीवर वीवर में वैसे भी जो है 24 घंटे के अंदर पेशेंट रिकवर कर जाता है, और जिसमें जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है उसमें जो ट्रीटमेंट है और जो टाइम लगता है वो तो फिर कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है जी। डॉक्टर, हमने फीवर की बात करी, इस वक्त बारिश और गर्मी एक साथ होगी तो लोगों को वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर बहुत होता है, तो उसमें किस तरह की होम्योपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं और कितना लाभकारी है होम्योपैथिक इस सिचुएशन? वायरल, किसी भी वायरल डिजीज में जुपिटोरियम, आर्सेनिक, रस्टॉक्स, बेलाडोना, ये सब बहुत कारगर दवाएँ हैं। और वायरल फीवर में यूपेटोडियम के साथ बेलाडोना और रस्टाक लेना या बेलाडोना और ब्रैनिया लेना, उससे 90% केसेस रिकवर हो जाते हैं, और विद इन 24 आवर्स जो है फीवर सबसाइड कर जाता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस भी नहीं होती और बहुत जल्दी आराम मिलता है। डॉक्टर, जो किड्स हैं आजकल के किड्स, जो वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, व्हेन इट्स कम टू हाइजीन, व्हेन इट्स कम टू डाइट, तो किड्स के लिए किस तरह की दवाइयाँ दी जाए, किस तरह से उनकी इम्यूनिटी का ख्याल रखा जाए कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे? बच्चों के लिए कुछ दवाएं हैं जैसे एवेनासिटाइवा है और एथ्यूजा है, सीना है, ये सब दवाएं जो बच्चों के टेम्परामेंट को भी ठीक करती हैं और उनको उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं जी। अल्फा अल्फा टॉनिक एक आती है होम्योपैथी की, सभी कंपनियां बनाती हैं, उसको देने से बच्चों का डाइट भी अच्छी होती है, उनका डाइजेशन भी अच्छा होता है और उनका मेंटल टेम्परामेंट भी अच्छा होता है, मेमोरी भी अच्छी होती है जी। डॉक्टर, ओल्ड एज लोगों के साथ भी खासा प्रॉब्लम हुई है, कोविड के दौरान भी हुई है, तो ओल्ड एज लोगों को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए कि उनको स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए अपनी इम्यूनिटी, कि उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आफ्टर कोविड ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है जी। उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए वो थोड़ा सा प्रॉपर डाइट वाइट लें और थोड़ा सा खुली हवा में रहें, थोड़ा सा वॉक करें, और दूध वगैरह है जैसे दूध है, हल्दी डाल के आप दूध वगैरह ले सकते हैं जी। उसके अलावा और भी घरेलू उपचार हैं होम्योपैथिक दवाओं में, चाइना, एवेनासिटाइवा, अल्फा अल्फा, ये सब चीज़ें बहुत कारगर हैं जी। डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ आने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम होम्योपैथी की दवाइयाँ बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुनील पांडे, जिन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स के लिए भी होम्योपैथी दवाइयाँ कितनी इफेक्टिव है और किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। आज के हमारे खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।